8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपये और 1000 रुपये के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। दो साल पहले 8 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया था। दलील दी गई कि इससे काले धन और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी, लेकिन विपक्षी दलों का दावा इससे उलट है। हालांकि दावों और वादों के बीच ये दिन भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास में एक खास दिन के तौर पर दर्ज जरूर हो गया। नोटबंदी को मोदी सरकार की असफलता बताते हुए कांग्रेस ने देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन किया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी नोटबंदी को सोच समझकर किया गया एक क्रूर षड्यंत्र बताया। कहा, यह घोटाला प्रधानमंत्री के सूट बूट वाले मित्रों का काला धन सफेद करने की एक धूर्त स्कीम थी। प्रधानमंत्री ने आज उनकी जवाबदेही बनती है। उन्होंने देश को कलंकित किया था दुनिया के सामने। उन्होंने भारत की जनता की मेहनत के पैसे को अपराध का पैसा और काला धन कहा था। मेरा प्रधानमंत्री जी से सीधा प्रश्न कि वो अपना आज भी क्या वो अपनी गलती मानने को तैयार हैं और देश से माफी मांगने के लिए? हमें मालूम है ये प्रश्न करना व्यर्थ है, क्योंकि उनमें अहंकार है, वो संवेदनहीन है और वो राजहठ में है, और उनके लाचार मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता, उनके पास और कोई चारा नहीं कि कोशिश करें कि बहुत अच्छा फैसला किया था। कांग्रेस के आरोपों को केंद्र सरकार ने खारिज किया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि लचर हो चली अर्थव्यवस्था के पूरे सिस्टम को एक बार फिर झकझोरने की जरूरत थी। इसका लक्ष्य बाजार में मौजूद नकदी को जब्त करना था, साथ ही बड़े रूप में इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करना भी था। Our Janadhan scheme enabled almost everyone to have a bank account, even if he had no money to deposit in the bank. We then put into operation the Aadhaar and a direct benefit transfer through Aadhaar into these bank accounts. So all governmental support to the poor people was now being done by a direct benefit transfer into their bank account. नोटबंदी को लेकर सरकार और विपक्ष के अपने अपने दावे और तर्क हैं। दोनों ही नोटबंदी को लेकर एक दूसरे पर भ्रम फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। दो साल बीत जाने के बाद भी बहस इस बात पर हो रही है कि नोटबंदी सफल रही या विफल। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएम।